तमाम हम्द है उस खाली के अजल के लिए। सकून झील को देता है जो कंवल के लिए। और सबसे पहले सलाम उनके नाम जो वजाए तखली के कायनात हैं, कि जिन पे खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं। इबादत के लिए जब जिसमें अतहर रक्स करता है, जबीने इश्क झुकती है तो मिंबर रक्स करता है। आयां होते हैं नजरों में हजारों रंग वहदत के, अनल हक की सदा पर जब कलंदर रक्स करता है। सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता है। सिवा तेरे किसी शय की तमन्ना मैं नहीं रखता, ये कैसी आरजू है कि मुकद्दर रक्स करता है। जमाने में अदा करता हूं जब भी रस्म शब्बीरी, तो नोके खंजरे बातिल पे भी सर रक्स करता है। जनूने इश्क की कैफियतें गुमनाम होती हैं, मेरा नगमा हर एक शय की जुबां पर रक्स करता है। मकान से ला मकान तक आने वाहिद मैं गुजरता हूं, मेरी हस्ती में जब तू नूर बनकर रक्स करता है। मैं बाबे इल्म से रखता हूं निस्बत इसलिए घायल, हथेली पर मुकद्दर का सिकंदर रक्स करता है। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप समाअत फरमा रहे हैं रेडियो ईमान 103.1 FM। प्रोग्राम का नाम है अल्लाह के सफीर और इसको पेश करने वाला आपका मेजबान आपका खादिम शाहिद शब्बीर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। जी हां सामईन, आज के प्रोग्राम में भी मैं बात करूंगा हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका मुकम्मल नाम है हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ कशफुल असरार में बहुत से अजायबात जमाना का जिक्र किया है। एक मुकाम पर तहरीर फरमाते हैं, गजनी में एक पीर मर्द थे, इनका नाम शेख बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह था और वो अपने किरदार में भी हकीकतन बुजुर्ग ही थे। एक दिन शेख बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, अली
कोई ऐसी किताब लिख के जमाने में तेरी यादगार रह जाए। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। एक बच्चे से किसी यादगार तसनीफ का जिक्र करना बड़ा अजीब था। उसने अपनी हैरत का इजहार करते हुए अर्ज किया, हजरत मैं अभी इस काबिल कहाँ हूँ, ना मुझे इलम हासिल है और ना मैं अपनी कम उम्री के सबब इलम के रमूज को समझ सकता हूँ। फिर आपके हुक्म की तामील किस तरह हो सकती है? शेख बुजुर्ग रहमतुल्ला अलैह ने जवाबन फरमाया, अली कुछ भी हो तुझे किताब लिखनी ही पड़ेगी। मैंने कुछ दिन पहले ही एक किताब तहरीर की थी। शेख बुजुर्ग रहमतुल्ला अलैह के इसरार पर वही किताब इनकी खिदमत में पेश कर दी। शेख बुजुर्ग रहमतुल्ला अलैह किताब का मुताला करते रहे और मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होता रहा कि एक बच्चे की तहरीर पढ़कर इनका क्या तासुर होगा। आखिर किताब ख़त्म हुई और शेख बुजुर्ग रहमतुल्ला अलैह मुझसे मुखातिब हुए, अली तू दीन के मामले में बड़ा बुजुर्ग होगा। शेख का इरशाद सुनकर कुछ देर तक तो मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। मैं हैरत से डूबा हुआ किसी मुजस्समे की तरह शेख रहमतुल्ला अलैह के सामने बैठा रहा। शेख रहमतुल्ला अलैह ने मेरी दिली कैफियत को महसूस कर लिया था, इसलिए एक बार फिर वही अल्फाज दोहराए, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फिर मुझे यकीन आया कि शेख बुजुर्ग रहमतुल्ला अलैह ने मेरी तिफलाना तहरीर को नज़रअंदाज नहीं किया है। मैंने अर्ज किया, अगर शेख की दुआएं शामिल हाल रहें। शेख बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू हमारी दुआओं में शामिल है। हक ताला ने चाहा तो सारा जमाना इन दुआओं की तासीर देखेगा। फिर ऐसा ही हुआ। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाक व हिंद के इतने बड़े बुजुर्ग साबित हुए कि 1000 साल गुजर जाने के बावजूद आप रहमतुल्ला अलैह का फैज रूहानी रोजे अव्वल की तरह जारी और सारी है। शेख बुजुर्ग रहमतुल्ला अलैह ने जिस किताब की तहरीर करने पर इसरार किया था, दरअसल वो कशफल महजूब थी। शेख बुजुर्ग रहमतुल्ला अलैह की चश्मे मार्फत पर ये बात रोशन थी कि यही 12 साला लड़का जवान होकर एक ऐसी किताब तहरीर करेगा जिसे तसव्वुफ की दुनिया में शोहरत दवाम हासिल होगी। बाज़ रवायतों से पता चलता है कि हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह के माँ बाप ने इनकी शादी नौ उम्री में कर दी थी। अगरचे आप रहमतुल्ला अलैह अजवाजी ज़िंदगी को पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन वालदैन के हुक्म से मजबूर थे। आखिर कुछ दिन बाद बीवी का इंतकाल हो गया। ग्यारह साल तक आप रहमतुल्ला अलैह ने आजादाना जिंदगी बसर की और इस तवील अरसे में नहायत खुश व खुर्रम रहे। वालदेन को एक बार फिर औलाद की फिक्र लाहिक हो गई।
नतीजतन हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा रिश्ता अजवाज से मुंसलिक कर दिया। दूसरी शादी के बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह खुद तहरीर फरमाते हैं, मैं एक साल तक इस आफत में गर्क रहा, करीब था कि मेरा दीन तबाह हो जाए कि हक ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी और रहमत से मुझे खलासी अता की। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की इस तहरीर से जाहिर होता है कि एक साल बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबुल हसन है, इससे जाहिर होता है कि हसन आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा था और पहली बीवी के वतन से था। बाज़ मुहक्किकीन की राय के मुताबिक हसन का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। अलगर्ज कुदरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अहलो अयाल की जंजीरों से आज़ाद कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह पूरे इन्हमाक के साथ जस्तजुए हक में मशगूल हो गए। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीर और मुर्शिद हजरत शेख अबुल फजल रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह मोहब्बत थी। आप हमा वक्त पीर और मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहते। एक दिन हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मुखातिब करते हुए फरमाया, अली, अब तुम्हारे कलब में इतनी इस्तकामत पैदा हो चुकी है कि इस खारदार हस्ती से सलामती के साथ गुजर जाओगे। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत इज्जो इनकसार के साथ अर्ज किया, ये सब मेरे अल्लाह का करम और मुर्शिद की दुआओं का समर है। हजरत शेख अबुल फजल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अली, अगर हक ताला ने तुम्हें समरबाज बनाया है तो फिर दूसरों को भी इस समर से फायदा पहुंचाओ। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सर तस्लीम में खम कर दिया और फरमाया, जो शेख का हुक्म हो। फिर मुर्शिद ने फरमाया, तुम्हें लाहौर जाना होगा, वहां एक मखलूक खुदा तुम्हारी मुंतजिर है। लोग प्यास की शिद्दत से इधर उधर भटक रहे हैं मगर उन्हें कोई चश्मा मार्फत नहीं मिलता। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को एक लम्हे के लिए भी पीर और मुर्शिद की जुदाई गवारा नहीं थी और हुक्म शेख से जाहिर हो रहा था कि मंजिल फराक करीब आ गई है। मैं पीर और मुर्शिद के कदमों से जुदा होकर कहाँ जा सकता हूँ, आप रहमतुल्लाह अलैह ने रिक्कत अमेज लहजे में अर्ज किया। हजरत शेख अबुल फजल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने महबूब मुरीद की दिली कैफियत का अंदाजा करते हुए फरमाया, अली, बज़ाहिर ये मंजिल फराक है मगर तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे, मगर वहाँ तो आपके मुरीद कामिल हजरत शेख हसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं और वो बहुकम खुदा कुतबुल किताब हैं, इनकी मौजूदगी में मेरी क्या ज़रूरत है। हजरत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उज़र पेश करते हुए अर्ज़ किया, और अगर मैं लाहौर चला भी जाऊँ तो शेख हसैन जंजानी के होते हुए मेरी ज़ात से वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। हजरत शेख अबुल फजल रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया, ये हुज्जत है या इनकार। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पीर मुर्शिद के लहजे की तलखी को महसूस कर लिया और फौरन ही अर्ज करने लगे,
خادم کو مجال انکار کہاں بس تصور فراق سے آزردہ ہوں۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر قریب رہو گے تو ساتھ فراق نہیں آئے گی، کیا میرے پیر و مرشد مجھ سے جدا نہیں ہوئے، یہی نظام قدرت ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا خادم تو بس حضوری چاہتا ہے، یہی ایک آرزو ہے کہ خدمت شیخ میں زندگی گزار دوں۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علی اب یہی میری خدمت ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ، یہ دوری نہیں حضوری ہے۔ الغرض حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اس طرح رخصت ہوئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور چہرہ مبارک پر رنج و علم کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ تاریخ اور جغرافیے پر نظر رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ غزنی سے لاہور تک کا سفر کس قدر طویل اور کتنا دشوار گزار ہے۔ ملک الگ، زبان اور تہذیب اور معاشرت جدا، ایسے سفر کی تیاریوں کے لیے جس قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، مگر حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ منزل عشق کے مسافر تھے، اس لیے کسی زاد راہ کے بغیر ہی پیادہ پا روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 ماہ بعد حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور پہنچے۔ یہ سن 431 ہجری کا زمانہ تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو شام ہو چکی تھی، کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے شہر سے باہر ہی قیام کیا۔ پنجابی زبان کے لیے ایک قدیم کلمی نسخے میں درج ہے کہ جہاں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ آ کر ٹھہرے تھے اسی جگہ ایک بلند ٹیلا تھا اور اس پر ایک کریر کا درخت تھا۔ اس درخت کی لکڑی آج تک دربار میں موجود ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے۔ اسی وقت سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شرکا سے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کل رات انتقال فرما گئے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جانگداز خبر سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ دم بخدا رہ گئے، پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس اشک ریزی کے 2 اسباب تھے، ایک یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم کی مصلحت کو نہیں سمجھا اور سفر لاہور کے سلسلے میں عذر پیش کیا۔ دوسری حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا دیدار آپ رحمت اللہ علیہ کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے اپنی محرومی پر آپ دیدہ ہو گئے۔ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی تدفین میں شریک ہوئے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھا جو دفن کے بعد بھی بہت دیر تک قبر کے قریب اداس بیٹھا رہا۔
हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अले अक्सर हज़रत शेख हुसैन जंजानी रहमतुल्ला अले के मज़ार पर हाजिर होते थे और रिक्कत कल्ब के साथ अपने पीर भाई के लिए दुआए खैर फरमाते थे। बहुत दिन बाद लाहौर के बाशिंदों पर यह राज खुला कि जो रोशनी रेज़े खाक रोपोश हो गई है और जो रोशनी मज़ार के बाहर अपनी पूरी तवानाइयों के साथ नज़र आ रही है, दोनों एक ही आफ्ताब मारफत का हिस्सा है। सामईन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। इस वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए रेडियो ईमान 103.1 FM अपने मेज़बान शाहिद शबीर चौधरी के साथ। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा मुर्दा तपिया मुर्दा तपिया सब वलियन के महाराज मोरे तपिया तुम मेरा प्यार है मन में समाया तुम मेरा प्यार है मन में समाया तुम मेरे जैसा कोई न पाया तुम मेरे जैसा कोई न पाया तुम मेरे जैसा कोई न पाया तुम हो मोहे सर के ताज तुम हो मोहे सर के ताज मोरे दाता पिया तुम हो मोरे सर के ताज मोरे दाता पिया मैं दुखियन की आस बंधाओ मैं दुखियन की आस बंधाओ मोरी नैया पार लगाओ मोरी नैया पार लगाओ तोरे हाथ में हमरी ला तोरे हाथ में हमरी लाज मोरे दाता पिया तोरे हाथ में हमरी लाज मोरे दाता पिया के पालन हार है दाता का दर फैज़ है तुम्हारा हम सब पैदा है तुम्हारा राज मोरे दाता पिया हम जानते हैं तकाजाए बंदगी सल्ले अला का विर्द भी जिक्र खुदा के बाद इकबाल नात गोई भी है एक शरफ मगर लाजिम है इत्तबा भी मदाओ सना के बाद हो चाहे एक जमाना किसी रहनुमा के साथ हम हैं कसम खुदा की फकत मुस्तफा के साथ ये सारी कायनात है लोला के आशना मंसूब हर चिराग है नूरुल हुदा के साथ रिश्ता हर एक सुबह का शम्सुद्दुहा से है हर शब को रब्त खास है बद्रुद्दुजा के साथ मुमकिन नहीं के बाबे करम उस पे वा ना हो शामिल हो अगर हुस्ने अकीदत दुआ के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद।
प्रोग्राम में बात हो रही है हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की। एक मौके पर हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, जिसका मौजू था एसार। आप फरमाते हैं, एक बार 10 दरवेश सफ़र कर रहे थे कि घने जंगल में पहुंचकर रास्ता भूल गए। झुलसा देने वाली धूप ने इनके हलक खुश कर दिए थे और पानी का दूर दूर तक निशान नहीं था। ज़्यादे राह के तौर पर इन दरवेशों के पास जिस कदर पानी मौजूद था, इससे सिर्फ एक ही आदमी की प्यास बुझ सकती थी। आखिर इस पानी के इस्तेमाल का वक्त आया तो तमाम दरवेशों ने एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी, यहाँ तक कि 9 दरवेश मर गए। फिर 10वें दरवेश ने वो पानी पी लिया। कुछ दिन बाद जिंदा बच जाने वाले दरवेश ने एक शख्स से ये वाक्या बयान किया। उस शख्स ने अलमनाक माजरा सुनकर कहा, अगर तुम भी वो पानी ना पीते तो अच्छा था। 10वें दरवेश ने जवाब दिया, अगर मैं पानी ना पीता और प्यासा मर जाता तो खुदकुशी के मुजरिम की हैसियत से आखिरत में मेरी गिरफ्त होती। इस शख्स ने एक अकली दलील पेश करते हुए कहा, फिर वो 9 दरवेश भी खुदकुशी के मुर्तकिब हुए थे, क्या बरोज़ हशर इनसे बाजपुरुस नहीं होगी? 10वें दरवेश ने जवाब दिया, मेरे तमाम साथी शहीद हुए हैं। उस शख्स ने पूछा, वो किस तरह? 10वें दरवेश ने कहा, उन लोगों ने एक दूसरे की जान बचाने के लिए मौत कबूल की थी, मगर जब मेरे तमाम साथी एक दूसरे की खातिर एसार देते हुए इंतकाल कर गए और मैं अकेला रह गया, तो शरीयत ने मुझ पर वाजिब किया कि मैं पानी पी लूं और अपने आप को दानिस्ता और बगैर किसी भलाई के हलाकत में न डालूं। अगर अपने दूसरे साथियों की तरह मैं भी पानी ना पीता तो मेरी मौत भी वाकया हो जाती, क्योंकि 11वां आदमी मौजूद नहीं था जिसके लिए मैं एसार करता, नतीजतन मेरी मौत हराम हो जाती। ग़ज़वा-ए- उहद के हवाले से भी एक ऐसा ही वाक़या मशहूर है कि एक मुस्लिम खातून जख्मियों को पानी पिला रही थी। इत्तफाक से वहां 7 मुसलमान जख्मी सिपाही मैदान में पड़े हुए थे। खातून ने एक सिपाही को पानी पिलाना चाहा तो उसने अपने दूसरे साथी की तरफ इशारा किया कि वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। अलगर्ज एक दूसरे के लिए एसार का ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 7 सिपाही शदीद आलिम तिशनगी में दुनिया से रुखसत हो गए। कुरान करीम में मुसलमानों के इसी जज्बा एसार की तरफ वाज़ेह इशारा किया गया है, और अपनी जानों का एसार करते हैं अगरचे इन्हें तंगी हो। ये असरंगेज तकरीर सुनकर हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हल्का अकीदत में रोज बरोज इजाफा होता चला गया। हजारों इंसान अपनी अपनी जरूरतें लेकर आस्थाना आलिया पर हाजिर होते, आप रहमतुल्लाह अलैह इनके हक में दुआए खैर करते और कारसाज आलम अपने बंदों की मुश्किल कुशाई फरमा देता। कभी कभी खास अहबाब जमा होते तो आप रहमतुल्लाह अलैह नहायत दर्द अंगेज लहजे में शिकायत करते, लोगों को क्या हो गया है कि हर वक्त नापायदार दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं। कोई औलाद की दरख्वास्त करता है, कोई मालो जर की और कोई इज्जत व जा की। अगरचे ये सारी चीजें फानी हैं, लेकिन बनी नू आदम ने इन्हें मकसद हयात बना लिया है और इस अहद को फरामोश कर दिया है जो उनकी रूहों ने रोजे
अलस्त में अपने रब से किया था। कभी कोई मुझसे ये नहीं कहता कि मैं इसकी सलामती ईमान के लिए दुआ करूं, और कभी कोई अपना दामन इसलिए नहीं फैलाता कि मैं इसमें इल्म व हिकमत के सिक्के डाल दूं। सब इस शय के तलबगार हैं जो अपनी फितरत में बेवफा है और अहले दिल के लिए सख्त जर्रे रसां है। यही वो एहसासात थे जिनके सबब हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आजरदा रहा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में तालिब इल्मों का हजूम था, मगर यहाँ भी वहीं बेखबरी कार फरमा थी। कोई तालिब इल्म भी इसलिए तालीम हासिल नहीं कर रहा था कि वो जहालत खाना हिंद में इस्लामी इल्म की शम्मा रोशन करेगा या बुत परस्तों की सफ़ों में कारे तबलीग जारी रखे हुए रास्ते की सख्तियां बर्दाश्त करेगा। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए दो बड़ी कुर्बानियां दी थीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ये कि अपनी तहजीब, सकाफत, वतन, हल्का एहबाब और हर वो चीज़ जो आप रहमतुल्लाह अलैह को महबूब थी उससे रिश्ता तोड़ लिया था, और एक ऐसी ज़मीन पर हमेशा के लिए आबाद हो गए थे जहाँ का जर्रा जर्रा बेखबर और बेगाना था। दूसरे ये कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने लज्जत व नशात की ज़िंदगी को तरक करके मखलूक खुदा की खिदमत को अपना शुआर बना लिया था। वाज़े रहे कि जब सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक सिर्फ 21 साल थी। इस ज़माने शबाब में ख्वाहिश नफ्स से मुंह मोड़ लेना बजाते खुद इतनी बड़ी करामत है कि इसे बतौर मिसाल सारे दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। दूसरी कौमों में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जिन्होंने तजर्रुद की ज़िंदगी बसर की, मगर वो लोग इंसानी हजूम में नहीं ठहरे। तारीख गारों, वीरान जंगलों और सुनसान दरियाओं के किनारों पर पड़े रहे, और एक दिन खामोशी से किसी गोशे गुमनामी में मर गए। ये एक मुकम्मल राहबाना जिंदगी थी जिसने इनकी जात को तो फायदा पहुंचाया, मगर वो लोग मखलूक खुदा के किसी काम न आ सके। इसके बरअक्स हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तरके लज्जात करके मखलूक खुदा की हजूम में आए और अल्लाह के बंदों से इतना प्यार किया कि अपनी लज्जत की भी नफी कर दी। बकौले अलामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। दरअसल यही इस्लाम और रहबानियत का फर्क है। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद और मदरसे की तामीर में जिस कदर तकलीफें बर्दाश्त की थीं, उसका अंदाज़ा करना भी आसान नहीं। किसी तारीखी हवाले से ये बात साबित नहीं होती कि हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाने खुदा की तामीर के सिलसिले में
लाहौर या दूसरे शहरों के साहिबाने सरवत से माली तावुन की दरख्वास्त की हो या आप रहमतुल्ला अलैह ने जाती खर्च से मस्जिद तामीर कराई या फिर आप रहमतुल्ला अलैह को दस्ते गैब हासिल था। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, इस मर्द खुदा की कलंदरी में किसे कलाम हो सकता है जिसने तन तनहा एक इबादत का तामीर कराई और फिर इस इमारत के सतून खड़े किए हों जिसके जर्रे जर्रे से इल्म की रोशनी फूटती थी। फिर जब खानकाह मदरसा तैयार हो गया तो इसकी सदाए पुरजलाल गूंजी, लोगों आओ भलाई की तरफ, मुसाफिरों आओ रोशनी की तरफ। अकीदतमंद हो या मुतरजीन, सबके सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किसी शागिर्द से इलम की कीमत वसूल नहीं की। अगर तलब करते तो आप रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल भी जायज होता, क्योंकि हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जरिया मुआश नहीं था, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह तो कनात और तवक्कल के रास्ते के मुसाफिर थे। अहले दुनिया के सामने दस्ते तलब क्या दराज करते, और अगर कोई देता तो क्या देता कि वो जो चीज हासिल कर रहा था इसकी तो कोई कीमत ही नहीं थी। इलम और अमल के बादशाह को देने के लिए अहले लाहौर के पास क्या था, वो तो खुद जरूरतमंद के सवाली थे। कुछ दिनों तक अहले तलब ने बड़े जोशो खलूस का मुजाहरा किया। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से कुछ मुतमईन थे, मगर एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह पर एक अजीब राज फाश हुआ। तालिबे इलम बड़े जोको शोक से अपने असबाक याद कर रहे थे, बहस व मबाहसा भी जोर शोर पर था। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हुआ कि शागिर्दों के दिमाग रोशन थे, मगर उनके दिल और रूहें खाली थीं। ये बड़ा तकलीफ दे मरहला था। किसान ने जिस जमीन में अपना बीज बोया था वो जरखेज नहीं थी। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि इनके शागिर्दों के दिमाग में बुए हकूमत मौजूद है। इस सूरत हाल के पेश नजर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार अपने शागिर्दों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए मेरे मुरीद, ये दुनिया एक कश्ती की मानित है और पानी पर तैर रही है, पस तू गोताखोर बन ना के गर के आप हो, किसी का दिल तुझसे रंजीदा ना हो। वो बादशाह जो जुल्म की बुनियाद उखाड़ने और रियाया को फायदा पहुंचाने वाला हो उसकी तारीफ कर, मगर याद रख के बादशाह की सत्ताईश इसलिए ना हो कि इसमें खुद तेरी गर्ज मौजूद हो। इस नुक्ते को फरामोश ना कर कि तमाम में हमेशा खवारी है। मुर्शिद को अपना किबला समझ और दिलो जान से उसकी खिदमत कर कि इसी में तेरी फलाह है। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार वाज़ह अल्फाज में अपने शागिर्दों को तनबीह की, मगर इनके दिलों से दुनिया की बेजा तलब कम ना हो सकी। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों का अंदाज़े फिक्र ये था कि वो इल्म हासिल करने के बाद बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर पहुंचकर अवामुन नास पर हकूमत करेंगे। ये सोच रूहानियत के यकसर खिलाफ थी।
आखिर सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह की तमाम जान सोजियां और काविशें रायगां गईं। लाहौर की तारीख में वो दिन बहुत तारीख था जब हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह ने मायूस होकर अपनी दरसगाह बंद कर दी। तुम्हारी ये हरिस व तमा तुम्हें जिस दरवाजे पर चाहे ले जाए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह ने नहायत अफसरदा लहजे में अपने शागिर्दों को मुखातिब करके फरमाया, अब मैं तुमसे क्या शिकायत करूं कि तुमने मेरे खलूस के बदले में मुझे क्या दिया। जो कुछ कहूंगा अपने मालिक से कहूंगा कि वही तकदीरों का बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, मगर तुम यहां से चले जाओ कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। एक आम आदमी भी अंदाजा कर सकता है कि ये अल्फाज अदा करते वक्त हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह किस कदर रंजीदाए खातिर होंगे। मगर हम देखते हैं कि किसी एक शागिर्द ने भी अपने उस्ताद ग्रामी की अजियत व कुर्ब को महसूस नहीं किया। दुकान बंद हुई तो दुनियादारों की तरह उठकर चले गए। तारीख तसव्वुफ के औराक में ऐसे बेशुमार वाकियात महफूज हैं कि जब कोई मुरीद अपने पीर और मुर्शिद से बिछड़ता था तो सदमा फराक से बेहाल हो जाता था। खुद हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह जब अपने शेख हजरत अबू फजल कतली रहमतुल्ला अलैह से रुखसत हुए थे तो शदीद गम से नढाल थे, मगर जब हजरत अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह के शागिर्द अपने उस्ताद की दरसगाह से उठे तो किसी के चेहरे पर अक्से मलाल तक नहीं था। फिर वो दरवाजा बंद हो गया जिसमें हिकमत व इरफान की मशालें जलती थीं और जहां से सियाह बुखत लोग रोशनी लेकर अपनी रूहों के तारीख मकानों को सजाते थे। जो लोग कौमों के अरूज व जवाल पर गहरी नजर रखते हैं उनके ख्याल में ये तारीख लाहौर का सबसे बड़ा अलमिया था कि हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह ने दिल शकिस्ता होकर अपनी दरसगाह बंद कर दी और मुकामी तालिबे इल्मों को एहसास तक नहीं हुआ कि वो किस अजीम नेमत से महरूम हो गए हैं। मदरसा बंद करने के हवाले से एक और रवायत ये भी मशहूर है कि एक दिन हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह दर्स दे रहे थे, अगली सफ में बैठे हुए दो शागिर्दों का ध्यान किसी और तरफ था और कभी कभी वो दोनों आपस में गुफ्तगू भी कर लेते थे। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह को अपने शागिर्दों का ये अमल सख्त नागवार गुजरा। आप रहमतुल्ला अलैह ने दर्स रोक दिया और नहायत पुरजलाल लहजे में उन दोनों को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, फिर तुम कहाँ भटक रहे हो। दरसगाह के दरवाजे बंद हो चुके थे लेकिन कार्य तबलीग खत्म नहीं हुआ। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह आम लोगों के इज्तमा से खताब करते और अपने पुर असर वाज से गुम करदा राह इंसानों को सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाते। फिर जज्बाए अकीदत इस कदर बढ़ा कि लोग आप रहमतुल्ला अलैह को गंज बख्श कहकर पुकारने लगे। आम तौर पर मशहूर है कि तकरीबन 150 साल बाद मशहूर बुजुर्ग
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह लाहौर तशरीफ लाए और हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह के मजार मुबारक के करीब चिल्ला कश हुए और फिर दिल्ली जाने से आप रहमतुल्ला अलैह ने ये शेर पढ़ा जो शोहरत दवाम हासिल कर चुका है। गंज बख्श हर दो आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, यानी दोनों जहां के खजाने देने वाला नूरे खुदावंदी का मजहर, नाकिस लोगों के लिए मुर्शिद कामिल और काहिलों के लिए रहनुमा। अक्सर तज़किरा निगारों ने इस शेर को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह की तरफ मंसूब किया है, मगर गंज बख्श का लफ्ज हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह की जिंदगी में ही शोहरत पा चुका था। आप रहमतुल्ला अलैह ने अपनी तसनीफ कशफुल असरार में एक मुकाम पर फरमाया, ए अली, तुझे खलकत गंज बख्श कहती है और तू एक दाना भी पास नहीं रखता। इस बात का अपने दिल में ख्याल तक न ला, वरना ये महज दावा और गरूर होगा। गंज बख्श यानी खजाने बख्शने पर कादिर तो सिर्फ इसी की एक जात है जो बिला शक व शुबा मालिकुल मुल्क है। उसके साथ शिर्क न कर बैठना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लारेब वही अकेला खुदा है जिसका कोई शरीक नहीं। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह की इस तहरीर से ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि आप रहमतुल्ला अलैह अपनी जिंदगी ही में गंज बख्श के लकब से मशहूर हो चुके थे। आहन की सुर्ख ताल पे हम रक्स कर गए, तकदीर तेरी चाल पे हम रक्स कर गए, पंछी बने तो रिफ्ते इफलाक पर उड़े, अहले जमी के हाल पे हम रक्स कर गए, कांटों से एहतजाज किया है कुछ इस तरह, गुलशन की डाल डाल पे हम रक्स कर गए, वाज फरेब शौक ने हमको लभा लिया, फिरदौस के ख्याल पे हम रक्स कर गए, हर एतबार हुस्ने नजर से गुजर गए, हर हल्का हाय जाल पे हम रक्स कर गए, मांगा भी क्या तो कतराए चश्मे तसव्वुरात, सागर तेरे सवाल पे हम रक्स कर गए। सामईन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। प्रोग्राम अल्लाह के सफ़ीर से अपने मेज़बान शाहिद शबीर चौधरी को अगले जुमे की सुपहर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने अहलो अयाल का ख़ास ख्याल रखेंगे। आपका और मेरा अल्लाह निगेबान।